ड्रग केस च बर्खास्त आईजी राजजीत 40 दिन तो फरार है। पंजाब पुलिस राजजीत नु लभन च नाकाम है। पंजाब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है तो उधर पंजाब सरकार भी सवाला च है। कई होर पुलिस अफसरां दे भी इस केस दे नाल तार जुड़दे नजर आ रहे ने तो उधर डीजीपी पंजाब जदों राजजीत बारे सवाल हुंदे ने तां भजदे नजर आए ने। लुधियाणा च पंजाब पुलिस दे एक प्रोग्राम च डीजीपी पंजाब तो राजजीत दे बारे सवाल किया गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छड़ के भज उठे। 17 अप्रैल नूं राजजीत नूं पंजाब सरकार ने बर्खास्त किया सी। उसी दिन तो राजजीत फरार है पर हाले तक पंजाब पुलिस राजजीत नूं फड़ नहीं पाई है। इस दे नाल ही पंजाब पुलिस इस लई भी सवाला च है क्योंकि जदों तो ड्रग केस दीआं रिपोर्टां खुल्लीआं उस तों बाद पंजाब पुलिस वल्लों कीती जांदी ड्रग रिकवरी केसां बाबत हफ्तावारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद है। पंजाब पुलिस दे डीजीपी गौरव यादव दावा कर चुके ने कि सोमवार 22 मई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होवेगी पर डीजीपी दे दावे बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई। पर पंजाब पुलिस जिन्ना मर्जी टाल मटोल करे जिन्ना मर्जी सवालों तो मुंह मोड़े सवाल तो होंगे क्योंकि पंजाब पुलिस दे वल्लों लगातार ड्रग खिलाफ मुहिमां छिड़ियां जांदियां ने। उत्थे पंजाब सरकार भी दम भरदी है पंजाब नूं नशा मुक्त बनाउण दा। अजिहे च लाजमी सवाल उठता है कि सब तो वड्डे ड्रग केस दे मुलजम ने जो खुद पुलिस अफसर रहे ने उह 40 दिनां तो फरार ने। पंजाब पुलिस अपने साथियों तक पहुंचण च नाकाम है। इस मसले ते विरोधी भी लगातार सरकार नूं घेर रहे ने। हालांकि सरकार लगातार अपना बयान दोहरा रही है कि जल्द गिरफ्तारी ते कानून मुताबक गिरफ्तारी होवेगी। ते उधर डीजीपी पंजाब राजजीत बारे हुंदे सवालां तो भज रहे ने। एबीपी सांझा जोश जज्बा जुनून।